हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कन्या पूजन 2023 नवरात्रि में करने जा रहे हैं कन्या पूजन, तो इन नियमों का करें पालन, नहीं तो नाराज़ हो सकती हैं माता। कन्या पूजन से पहले इन नियमों को जानना जरूरी है ताकि कोई भी भूल चूक ना हो जाए, नहीं तो नाराज़ हो जाएंगी माँ दुर्गा। खास बातें, क्या आप भी कन्या पूजन करने जा रहे हैं? पहले इन नियमों को जान लें, नहीं तो हो जाएंगी भूल। ऐसे करें कन्या पूजन, माता की बरसेगी कृपा। कन्या पूजन विधि हिंदू धर्म के विशेष त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में कई लोग 9 दिनों का उपवास भी करते हैं। साथ ही नवरात्रि के व्रत को पूरा करने के लिए कन्या पूजन का भी विधान है। यह कन्या पूजन नवरात्रि के अंतिम दिनों यानी अष्टमी नवमी तिथि के दिन किया जाता है। इस दौरान कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें भरपेट भोजन कराया जाता है। इस बीच आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो माता रानी नाराज़ हो जाएंगी और उनकी कृपा आप पे नहीं बरसेगी। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन के दौरान किन नियमों का पालन करना जरूरी है। नंबर वन, कन्या पूजन से एक दिन पहले कन्याओं को सम्मान के साथ आमंत्रित करें। नंबर दो, कन्या पूजन के दिन उनके आने के बाद सबसे पहले पानी या दूध से उनके पैरों को हाथों से धोएं। नंबर तीन, उस पानी को अपने सिर पर लगाना चाहिए और उसे आशीर्वाद लें। नंबर चार, इसके बाद कन्याओं के लिए बने आसन पर उन्हें बैठाएं और उसके सामने भोजन परोसें। नंबर पाँच, ध्यान रहे कन्याओं के साथ एक बालक भी होना चाहिए जिसे भैरव माना जाता है। नंबर छः, ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कन्याएं नाराज हों। नंबर सात, भोजन पूरा होने के बाद कन्याओं का आशीर्वाद लेते हुए उन्हें उपहार भेंट करें। हर वर्ष की कन्या का अलग है महत्व। हर साल सुविधा अनुसार कन्या पूजन करते हैं। दो वर्ष की कन्या पूजन करने से घर में दुख और दरिद्रता दूर होती है। तीन वर्ष की कन्या पूजन करने से घर में धन लाभ होता है और सुख समृद्धि होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यदि आप 4 साल की कन्या का पूजन करते हैं तो इससे परिवार का कल्याण होता है। और अगर आप 5 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो आपको और आपके परिवार को सभी लोगों से मुक्ति। नवरात्रि कन्या पूजा, कन्या पूजन में उपहार में दे ये 5 चीज़ें, माँ दुर्गा होंगी प्रसन्न। हर साल नवरात्रि में कन्याओं का पूजन कर कन्या भोजन किया जाता है। कन्या पूजने में कुछ उपहार ऐसे हैं जिन्हें कन्याओं को देने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, साथ ही इससे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। ये परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है जिसका पालन ज़्यादातर घरों में किया जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना और पूजा के साथ ही कन्याओं को भोजन जरूर कराया जाता है। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी खुश होती हैं। नवरात्रि में देवी माँ छोटी कन्याओं के रूप में आपके घर आती हैं। कन्याओं को उपहार में इन 5 चीज़ों को देने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं वो 5 चीज़ें कौन सी हैं। नंबर वन, लाल वस्त्र। कन्याओं का पूजन करने के साथ ही उन्हें लाल वस्त्र उपहार स्वरूप देने चाहिए। माता रानी को लाल वस्त्र काफ़ी पसंद है। अगर आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो लाल रंग की चुनरी हर कन्या को ओढ़ाएं, इससे भी देवी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। फल, कन्याओं को भोजन कराने में एक फल जरूर दें। माना जाता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर आता है। केला और नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है। केला विष्णु भगवान का प्रिय है तो वहीं नारियल देवी माँ को पसंद है, इसलिए इन दोनों को ही दान में देना चाहिए। वहीं कन्याओं को उपहार में दें मिष्ठान प्रसाद स्वरूप। कन्याओं को किसी एक तरह का मिष्ठान जरूर खिलाना चाहिए। आप कन्याओं के भोजन में सूजी का हलवा, आटे का हलवा माता रानी को भोग लगाने के बाद दे सकती हैं, इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। श्रृंगार सामग्री, नवरात्रि में कन्या भोजन के बाद सारी कन्याओं को उपहार में श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। सबसे पहले श्रृंगार की सामग्री देवी माँ को चढ़ा देना चाहिए, उसके बाद उन श्रृंगार की सामग्री को कन्याओं में बांट देना चाहिए। माना जाता है कि कन्याओं की ग्रहण की गई श्रृंगार की सामग्री सीधे माता स्वीकार कर लेती है। चावल या जीरा, परंपरा के अनुसार घर में जब बेटियां विदा होती हैं तो उन्हें चावल उपहार में दिया जाता है। उसी तरह से कन्याओं को भोग कराने के बाद विदाई में चावल देना चाहिए, चावल के साथ जीरा भी देना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर की बेटियों को दुखी नहीं करना चाहिए और न किसी भी स्त्री का अपमान करना चाहिए। सिक्के, नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप में
कुछ रुपए पैसे भी जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं, साथ ही आपका भंडार भर देती हैं। हो सके तो कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या 51 रुपए देने चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन यदि अष्टमी और नवमी तिथि को किया जाए तो कन्या पूजन का विशेष लाभ मिलता है। वहीं कन्या पूजन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो दोगुना फल मिलता है। साथ ही कन्याओं को पूरी श्रद्धा के साथ भोजन कराना चाहिए। नवरात्रि में कन्या को क्या दान करना चाहिए? नवरात्रि के दिन में आप मिठाई का दान करें। मान्यता है कि नवरात्रि में किसी भी दिन आप गरीबों या छोटी कन्याओं को मिठाई का दान करें। ऐसा करने से घर में सदैव सुख शांति का वास बना रहता है। फलों का दान करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर होती है और धन संबंधी परेशानी दूर होती है। कन्याओं को क्या दान करना चाहिए? प्रथम दिन उन्हें फूल की भेंट देना शुभ होता है। दूसरे दिन फल देकर इनका श्रद्धा के साथ पूजन करें। तीसरे दिन मिठाई का महत्व होता है। चौथे दिन इन्हें वस्त्र देने का महत्व होता है, लेकिन सामर्थ्य अनुसार रुमाल या रंग बिरंगे रिबन भी दिए जा सकते हैं। पांचवें दिन देवी को सौभाग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए छोटी छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है, साथ ही उन्हें उपहार भी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिर मिलते हैं ऐसे यूजफुल वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।